प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिन्नमाल। आज मैं आपको बीए पार्ट तृतीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है आर्थिक भूगोल, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व की प्रमुख आर्थिक क्रियाएँ, जिसमें प्राथमिक जो क्रियाएँ हैं उसमें मत्स्य पालन जो विश्व में बहुतायत स्तर पर होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो मछली क्या है? भोजन का प्रमुख अवयव है। विश्व के आज अनेक देश भोजन के रूप में मछली का उपयोग करते हैं, तो प्रमुख खाद्यान्न के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मछली व्यवसाय प्राचीन काल से ही खाद्य आपूर्ति हेतु काम में लिया जाता है। विभिन्न महाद्वीपों में स्थित महासागरों सागरों तालाबों झीलों नदियों आदि में मछलियों को पकड़ने का कार्य किया जाता है। विश्व में मछलियां उन भाग में पकड़ी जाती है या मत्स्य पालन उस भाग में विकसित है जहां उनके लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं होती हैं। तो मत्स्य व्यवसाय के लिए निम्नलिखित अनुकूल दशाएं होती हैं। पहला है प्लैंकटन की आपूर्ति, यानी इसके जो भोज्य सामग्री है जहाँ आपूर्ति होती है वहाँ पर ये मछली पकड़ी जाती है। दूसरा है तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जलवायु न ठंडी होती है न गर्म होती है, सम जलवायु में मत्स्य पालन व्यवसाय विकसित होता है। छिछले समुद्र जहाँ गहराई 200 मीटर तक होती है उस भागों में ये मत्स्य पालन व्यवसाय होता है। नदियों के ज्वार नदमुखी मुहाने उस भाग में मछलियों के लिए भोज्य सामग्री प्राप्त होती है, तो वहाँ भी मछलियाँ काफ़ी विकसित होती है। समुद्री धाराएँ जहाँ गर्म और ठंडी धारा दोनों मिलती है और पानी सम हो जाता है, तो उस भाग में भी मछलियाँ पालन का कार्य बहुत होता है। जनसंख्या की अधिकता, जनसंख्या अधिक होने के कारण खाद्यान्न आपूर्ति के उद्देश्य से भी मत्स्य पालन अधिक होता है। यातायात, परिवहन भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो मत्स्य व्यवसाय को प्रभावित करता है। मछलियों के निर्यात करने हेतु जल परिवहन की आवश्यकता होती है, अतः बंदरगाह जहाँ विकसित है जहाँ जहाज नावों की आपूर्ति है, सागरीय तटवर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर भी मछली पालन बहुतायत किया जाता है। तो मछली के विकसित होने के लिए या मत्स्य पालन के डेवलपमेंट के लिए ये अनुकूल दशा होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब विश्व में किस प्रकार की या प्रजाति की मछलियाँ देखने को मिलती हैं? तो सबसे ज़्यादा जो फैली हुई मछलियाँ वो है हेरिंग मछली है, दूसरा है मैक्रेल, तीसरी है मैन हेडन, चौथी कॉड मछली, सार्डिन मछली, टूना मछली। इस प्रकार विश्व में ये मछलियों की अनेक प्रजातियां देखने को मिलती हैं। विश्व में मछली पकड़ने हैं तो दो प्रकार की विधियां काम में ली जाती है। एक है ड्रिफ्टिंग विधि होती है, दूसरी होती है ट्रॉलिंग विधि। इन दो विधियों के माध्यम से मतलब भाले की सहायता से है या जाल डालकर है मछलियों को एकत्रित किया जाता है। अब विश्व में इन दो के अलावा दो विधियां और काम में ली जाती है, इसको बोलते हैं सैनिंग विधि और चौथी है लीनिंग विधि। मतलब मछलियां झुंडों में लंबाई में विस्तृत क्षेत्र में फैलकर जल सतह पर तैरती रहती हैं और एक लंबा जाल डाल के उसको एकत्रित किया जाता है, तो उसको लीनिंग विधि कहते हैं। इस प्रकार मछलियों को पकड़ने के लिए चार प्रकार की विधियाँ काम में ली जाती हैं। अब विश्व में प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर का जो तटवर्ती भाग है जिसमें आते हैं पूर्वी चीन सागर, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया, जापान, रूस आदि महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा ओकोटस्क सागर, जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर का भाग आता है जहाँ पर बहुतायत मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और व्यवसाय फला फूला है। दूसरा जो क्षेत्र है वह है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, ये भी मत्स्य उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें पश्चिमी यूरोप का भाग आता है। इसके अलावा डेनमार्क, नॉर्वे, स्पेन, आइसलैंड, ग्रेट ब्रिटेन आदि देश इस भाग में सम्मिलित है।
तीसरा जो भाग है वह दक्षिणी पूर्वी प्रशांति क्षेत्र, जिसमें दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट सम्मिलित हैं। यहाँ एंकोवी मत्स्य उत्पादन के लिए एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, जिसमें अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, वाशिंगटन, ओरेगन, कैलिफोर्निया राज्य जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं वो आते हैं। इस भाग में भी मछली बहुतायत पकड़ी जाती है। पांचवा क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक का प्रदेश। इस प्रदेश का विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों के पूर्वी भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड से न्यू इंग्लैंड तथा कैरोलिना राज्य के समुद्री तटवर्ती क्षेत्र तक पाया जाता है। इस क्षेत्र में मछलियाँ पकड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड बैंक एवं जॉर्ज बैंक स्थित है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक जो राज्य हैं आसपास के, वहाँ पर मछली पालन का व्यवसाय होता है। मछली पालन का व्यवसाय प्राचीन एवं नवीन दोनों तकनीकी से किया जाता है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है, यानी कैरेबियन सागर है, मैक्सिको की खाड़ी है, पूर्वी द्वीप समूह है, वहाँ पर भी मत्स्य पालन का कार्य होता है। अब विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश कौन से हैं? तो सबसे अधिक मछली उत्पादन का या उत्पादन करने वाला जो देश है वह सबसे ज़्यादा है जापान। जापान 1998 तक प्रथम स्थान पर था, लेकिन अब वर्तमान में ये चौथे स्थान पर आ गया है। लेकिन यहाँ आज भी कई वर्षों से पहले से भी प्राचीन तकनीकी से मत्स्य उत्पादन का कार्य होता रहा है। चीन संसार का सबसे प्रथम मत्स्य उत्पादक देश है। 2008 में 170 लाख टन उत्पादन किया था और वर्तमान में लगभग 2000 लाख टन मछली उत्पादन करता है। रूस विश्व में पकड़ी जाने वाली मछली में 11% योगदान इसका है। बाल्टिक सागर, पूर्वी समुद्र तट, कैरेबियन सागर, काला सागर आदि भागों में ये मछली उत्पादन करता है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का चौथा प्रमुख संयुक्त राज्य जो है मत्स्य उत्पादन वाला देश है। यहाँ 5% विश्व की मछलियाँ उत्पादित की जाती हैं। मान झील प्रदेश, मिसिसिपी एवं मिसौरी नदियाँ, पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र तटवर्ती भाग, कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा आदि राज्यों में मछली उत्पादन का कार्य किया जाता है। दक्षिणी कोरिया भी विश्व की 3% मछली पकड़ता है। यह आठवां बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ भी जापान की तरह अधिकांश मछलियाँ समुद्र में ही पकड़ी जाती हैं। भारत यहाँ समुद्र मछलियों में साइरेट, हेरिंग, मैकरेल आदि किस्म की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अधिक जनसंख्या होने के कारण यहाँ मछली खाद्यान्न का प्रमुख अवयव है। दक्षिण भारत में ज़्यादातर मछली पकड़ी जाती है। सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। यह उत्पादन प्रतिवर्ष 25 लाख टन उत्पादन होता है, लेकिन अधिक जनसंख्या होने के कारण इसका खपत यहाँ पर भी होती है, यहीं हो जाती है। इसके अलावा नॉर्वे में भी मछली 4% उत्पादित की जाती है। यहाँ कॉड किस्म की मछलियाँ उत्पादित की जाती है। डेनमार्क भी 2% विश्व का मछली उत्पादक देश है। बाल्टिक सागर, डागर बैंक आदि में मछलियाँ उत्पादित की जाती हैं। और ब्रिटेन विश्व की लगभग 1.5% मछलियाँ उत्पादित करता है। और यहाँ पर शीत भंडार भी हैं, सस्ते परिवहन साधन है, समुद्री इलाका होने के कारण यह मछलियाँ के लिए डागर बैंक विकसित किया गया है। इस प्रकार विश्व के प्रमुख मछली उत्पादक देश हैं। अब मत्स्य व्यवसाय में कुछ समस्या भी है, जैसे परिवहन करने में समस्या आती है, अति उत्पादन होता है तो मछलियाँ खराब भी हो जाती हैं, जल में बार बार मिट्टी के गिर जाना, नदियों का सागर मिल जाना है, पर्यावरण प्रदूषण है आदि के मिलने से जल दूषित हो जाता है, जिससे मछलियाँ मर भी जाती हैं, विषैले तत्व विकसित हो जाती हैं। समुद्री तूफान वगैरह आते हैं, कोहरा या हिमपात या बर्फबारी के समय भी मत्स्य उत्पादन को नुकसान पहुँचता है। इस प्रकार मछली उत्पादन में विश्व में इस प्रकार फैला हुआ है।